नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज एक Redmi 6 का मोबाइल आया हुआ है और कस्टमर ने बताया है कि इसमें लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम है। और कस्टमर ने बताया कि यह मोबाइल उन्होंने सर्विस सेंटर में दिया था और उन्होंने बताया कि मदरबोर्ड को चेंज करना पड़ेगा, जिसमें लगभग 2000 रुपये खर्चा आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मोबाइल को ओपन करके इसका मॉडल चेक करा देता हूँ। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद Redmi के जितने भी मोबाइल हैं, चाहे उसमें रिंगर की प्रॉब्लम हो, लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम हो या माइक की प्रॉब्लम हो, ये ऑडियो सेक्शन का जितना भी प्रॉब्लम हो, आप तुरंत सॉल्व कर लोगे इस वीडियो को देखने के बाद। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को स्कीमेटिक डायग्राम के साथ बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग ज़रूर कुछ नया ही सीखने वाले हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको मॉडल चेक करा देता हूँ कि ये कौन सा मॉडल है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए Redmi 6 जो मॉडल है, ये मोबाइल जो है Redmi 6 है। तो चलिए दोस्तों, एक बार मदरबोर्ड को ओपन करके देख लेते हैं, मदरबोर्ड में छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। इसे ओपन करके देखता हूँ कि मदरबोर्ड में काम हुआ है या नहीं हुआ है, क्या पोजीशन है मदरबोर्ड की। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सील्ड होती है, जो ऊपर की प्लेट होती है, उसे काटा गया है रिंगर आईसी के पास से। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मदरबोर्ड में काम किया गया है, वो यहाँ पे कोशिश की गई है इसे बनाने की, पर बना नहीं पाया है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं सील्ड उतरी हुई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे हमारी लाउड स्पीकर लगी होती है, उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रैक को चेक करेंगे, जहाँ पे स्पीकर की लाइन आती है, स्पीकर के लाइन को चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को ले लिया है, मल्टीमीटर को बजर मोड में रख लेना है और रेड प्रोब को जो है ग्राउंड रखना है और ब्लैक प्रोब को जो है वो पॉइंट पे चेक करना है कि वहाँ पे हमें सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने रेड प्रोब को ग्राउंड किया हुआ और एक पिन से मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक पिन पे सप्लाई आ रही है और दूसरे पॉइंट पे भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सप्लाई आ रही है। तो जो हमारी लाइन है, वो लाइन बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग स्पीकर को भी चेक कर लेते हैं। स्पीकर को भी यहाँ पे बजर मोड में रख के चेक करना है। यहाँ पे देखिए, आपको कुछ रीडिंग बताएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बीप के साथ कुछ रीडिंग बताएगा, तो यहाँ पे शो हो रहा। तो दोस्तों, अभी जो हम लोगों ने चेक किया, उसे कोल्ड टेस्टिंग कहते हैं। तो एक बार हम लोग इसे हॉट टेस्टिंग भी करेंगे। हॉट टेस्टिंग में हमें वोल्टेज को चेक करना पड़ता है कि वोल्टेज कहाँ पर कितना मिल रहा है। तो एक बार हॉट टेस्टिंग को चेक करने से पहले मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम में समझा देना चाहता हूँ कि हमें कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। तो हॉट टेस्टिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार स्कीमेटिक डायग्राम में समझा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्कीमेटिक डायग्राम को ओपन कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, जो Redmi 6 है, उसकी जो ऑडियो सेक्शन की पूरी सर्किट यहाँ पे बनी हुई है, पूरी डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है। तो इसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि रिंगर आईसी के पास हमें जो है वो वोल्टेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो रिंगर आईसी के पास यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, इस कैपेसिटर पे वोल्टेज मिलनी चाहिए और वो जो वोल्टेज है 3.7 वोल्टेज मिलनी चाहिए। एक वोल्टेज आपको यहाँ पे चेक करना है और दूसरा वोल्टेज जो है वो पावर आईसी के नीचे जो एक छोटी सी कैपेसिटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। यह भी वोल्टेज आपको 3.7 वोल्ट के आसपास मिलेगी। तो ये दोनों जगह पे आपको वोल्टेज चेक करना है और ये दोनों वोल्टेज आपको डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर के पास, एक जो रेसिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दोनों वोल्टेज जो है आपको यहीं से सप्लाई आती है। रिंगर आईसी के पास जो कैपेसिटर लगी हुई है, वहाँ पे 3.7 वोल्टेज आती है। अगर वो वोल्टेज नहीं आएगी तो वो रिंगर आईसी को इनपुट नहीं मिलेगी,
और जब तक रिंगर आईसी को इनपुट वोल्टेज नहीं मिलेगी तो रिंगर आईसी आपका एक्टिवेट नहीं होगा, और एक्टिवेट नहीं होगा तो वो रिंगर आईसी आपकी काम नहीं करेगी। तो वहाँ पे वोल्टेज हमें चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, हॉट टेस्टिंग करने के लिए हमें बैटरी को लगा लेना है और मोबाइल को ऑन कर लेना है, और जो मल्टीमीटर है उसे हमें 20 डीसी 20 में सेट करना है। डीसी 20 में सेट करने के बाद ब्लैक वायर को जो हमें ग्राउंड रखना है और रेड वायर से हमें वोल्टेज को टेस्ट करना है। दोस्तों, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ हमें कहाँ कहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो रिंगर आईसी है, रिंगर आईसी के बगल में एक कैपेसिटर है जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, वहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना है। वहाँ पे हमें वोल्टेज जो है 3.7 वोल्ट मिलना चाहिए जो कि डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से आती है। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज को चेक करना है, एक यहाँ पे चेक करना है और एक पावर आईसी के पास चेक करना है, और एक जो हमें वोल्टेज चेक करना है यहाँ पे देख सकते हैं पावर आईसी के पास एक छोटा सा कैपेसिटर है, यहाँ पे भी हमें वोल्टेज चेक करना है, यहाँ पे भी हमें 3.7 वोल्ट मिलना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है कहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं जल्दी से मोबाइल को ऑन कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो सके, तो यहाँ मैं ऑन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मोबाइल को ऑन कर लिया है और डीसी जो हमारा मल्टीमीटर है उसे मैंने डीसी 20 पे सेट कर लिया है। तो अब चलिए मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं रिंगर आईसी के पास यहाँ जो कैपेसिटर है जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा वोल्टेज मिल रहा है, 0.15-16 के आसपास ऐसा कुछ वोल्टेज मिल रहा है। तो इतना ये बहुत ही कम वोल्टेज है। और यहाँ पे देखिए मैं पावर आईसी के पास चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो एक बार मैं थोड़े अच्छे से आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं पावर आईसी के पास चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है यहाँ पे वोल्टेज तो यहाँ पे सही शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है यहाँ पे 3 कुछ वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए 3.7 वोल्टेज मिल रहा है पावर आईसी के पास, लेकिन रिंगर आईसी के पास जो कैपेसिटर है जहाँ मैंने बताया वहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंगर आईसी के पास बहुत ही कम वोल्टेज आ रहा है, जो कि उतना वोल्टेज काफ़ी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, जो बैटरी कनेक्टर के पास जो एक रेसिस्टेंस था वहाँ से एक जम्पर लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से एक जम्पर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर के पास जो एक रेसिस्टेंस है यहाँ से आपको एक जम्पर लेना है, और रिंगर आईसी के पास जो है यहाँ से जम्पर लेके आपको रिंगर आईसी के पास जहाँ पे कैपेसिटर है जहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है वहाँ पे आपको जम्पर लगा देना है। तो चलिए मैं आपको जम्पर लगा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जम्पर लगा दिया है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बैटरी कनेक्टर के बगल से जो रेसिस्टेंस था वहाँ से एक जम्पर लिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं जिस रिंगर आईसी के जो बगल में कैपेसिटर था वहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा था वहाँ पे मैंने जम्पर लगा दिया है। तो चलिए अब हम लोग बोर्ड को लगा के देखते हैं, मदरबोर्ड को लगा के देखते हैं यहाँ पे लाउड स्पीकर काम कर रहा है या नहीं, एक बार चालू करके देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा जो लाउड स्पीकर है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं एक वाईफाई कनेक्ट करके ऑनलाइन वीडियो एक प्ले करके आप लोग को चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाउड स्पीकर जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक जम्पर लगाने से यहाँ पे काम हो चुका है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अगर आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।